दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो के एंड में मैं काफी तगड़ा लीक आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों Redmi जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपनी Redmi Note 11 सीरीज को ग्लोबली, एंड चाइना में Redmi लॉन्च करने वाला अपनी Redmi K50 सीरीज को, एंड इंडिया में Redmi लॉन्च करने वाला अपनी Redmi Note 11 एस स्मार्टफोन को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 सीरीज के बारे में, जो कि ग्लोबली अभी लॉन्च होने वाली है। इस स्मार्टफोन सीरीज के लॉन्च को Xiaomi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एंड इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन सीरीज के डिजाइन की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा चाइनीज Redmi Note 11 सीरीज के मुकाबले। ये जो ऑफिशियल पोस्टर निकल कर आया है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा, एंड जो कैमरा मॉड्यूल होने वाला है वो काफी दबा हुआ होगा, यानी कि बॉडी से निकला हुआ नहीं होगा। हो सकता है आपको स्मार्टफोन बॉडी में ही कैमरा देखने को मिले। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छे होने वाले हैं Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स। बात करें इस स्मार्टफोन सीरीज के डिस्प्ले की, तो दोस्तों जो प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट होने वाले हैं उनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पोस्टर निकल कर रहा है इसमें काफी ब्राइट डिस्प्ले दिख रहा है, तो एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको पॉसिबली देखने को मिल सकता है, एंड यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस भी काफी हाई देखने को मिलेगी। हो सकता है 1300 निट्स की यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिले, एंड यहाँ पर आपको फास्ट रिफ्रेश रेट यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन सीरीज में डिस्प्ले भी काफी तगड़े देखने को मिलेंगे। बात करें इस स्मार्टफोन सीरीज के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों जो Redmi Note 11 सीरीज थी चाइना वाली, वहां पे सारे स्मार्टफोन्स में MediaTek का चिपसेट था, लेकिन आपको ग्लोबल जो सीरीज होने वाली है यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के चिपसेट देखने को मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी तगड़ी इन स्मार्टफोन्स में देखने को मिल सकती है। बात करें इस स्मार्टफोन सीरीज के बैटरी की, तो जो प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट्स होने वाले हैं यहाँ पर आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैटरी साइज अच्छा मिलने वाला है, एंड यहाँ पर आपको 67W की फास्ट चार्जिंग प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट है, बैटरी साइज भी अच्छा है, तो बैटरी एंड चार्जिंग भी अच्छी मिलेगी आपको इस स्मार्टफोन सीरीज में। बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों जो ये पूरी स्मार्टफोन सीरीज होने वाली है Redmi Note 11 सीरीज, इस पूरी स्मार्टफोन सीरीज में आपको MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि Android 12 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन सीरीज के मेमोरी वेरिएंट्स को भी लीक कर दिया जा चुका है। जो प्रो एंड प्रो मैक्स वेरिएंट्स होने वाले हैं वो आपको तीन मेमोरी वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे, 6GB+64GB, 6GB+128GB, एंड 8GB+128GB वेरिएंट। एंड जो वनीला वेरिएंट होने वाला है यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट्स इस स्मार्टफोन के भी देखने को मिलेंगे, 4GB+64GB, 4GB+128GB, एंड 6GB+128GB वेरिएंट। बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों Redmi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि स्मार्टफोन सीरीज 26 जनवरी को ग्लोबली लॉन्च होगी। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि इस स्मार्टफोन सीरीज में का एक वेरिएंट पॉसिबली Redmi Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन इंडिया में पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन के नाम से आ सकता है। ये लीक्स निकल कर आए, कोई भी कंफर्मेशन नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको ग्लोबल Redmi Note 11 सीरीज के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।